अमेरिका के बाद एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लगे मोदी मोदी के नारे, भीड़ का अभिवादन करने लोगों के करीब पहुंचे पीएम। मेक्सिको के साथ ही खत्म होगा प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, आज फ्रैंकफर्ट के रास्ते लौटेंगे स्वदेश। पीएम मोदी के भाषण से मुग्ध हुए अमेरिकी सांसद, 72 बार बजाई तालियां, 9 बार खड़े होकर जताया सम्मान। अमेरिकी कांग्रेस में बगैर नाम लिए मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत के पड़ोस में है आतंकवाद का गढ़। मोदी ने कहा दहशतगर्दों को पालने वालों को अलग थलग करना जरूरी, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एक सुर में बोलना होगा। मोदी ने अपने भाषण में भारत अमेरिका रिश्ते की जमकर की वकालत, 21वीं सदी का अहम साझेदार करार दिया। अपने भाषण से मोदी ने अमेरिकी सांसदों का जीता दिल, कहा भारत अमेरिका ने छेड़ा है दोस्ती का नया तराना। मोदी ने कहा मुंबई हमले के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने जो एकजुटता दिखाई उसे भारत कभी नहीं भूलेगा। मोदी ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अंबेडकर और मार्टिन लूथर किंग का किया जिक्र, कहा गांधी के अहिंसा के रास्ते में मार्टिन लूथर किंग को काफी प्रभावित किया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, आरा में डिप्टी मेयर कुमारी गोली, हमले में जख्मी हुए उप महापौर बसंत सिंह, बाइक पर आए थे 3 हमलावर। पटना में दिन दहाड़े बाइक पर जा रहे छात्र राहुल राज को पीटते हुए होंडा सवार छात्रों ने किया किडनैप, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर में एसपी नेता मनीष तिवारी के मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूल किया गुनाह, आरोपी महिला के मुताबिक एमएमएस बनाकर एसपी नेता करता था ब्लैकमेल, अब तक कर चुका था 5 लाख रुपए वसूल। अलीगढ़ में वकील दंपति की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, गोद ली हुई बेटी ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के लिए कराया मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े महिला के घर में तोड़फोड़, पैसे के लेन देन के चलते किया हमला, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में मेहंदी कारोबारी की गोली मारकर हत्या, घर के सामने अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। यमुनानगर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड, महंगी मशीनें और अवैध शराब जब्त, सभी आरोपी फरार। बिहार के मधुबनी में मल्हा मोड़ पर पुलिस वालों को आम लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडों और पत्थरों से किया हमला। पंचायत चुनाव में दोबारा मतगणना की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, रोड जाम खुलवाने अधिकारियों के पहुंचने पर हुआ हंगामा, हालात अब भी तनावपूर्ण। बंगाल के उत्तर 24 परगना में अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी, दिल्ली लाया जाएगा आरोपी। अपोलो अस्पताल के भी 10 डॉक्टर्स से हो सकती है मामले में पूछताछ, अस्पताल ने भी अलग से बनाई है जांच कमेटी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल से मांगा पिछले 5 साल के सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामलों का विवरण, कई अहम गवाहों के बयान दर्ज। दिल्ली के चांदनी चौक में स्टेट बैंक की ब्रांच में बुजुर्ग शख्स के बैग से चोरी किए गए 76,000 रुपए, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के लाजपत नगर में 6 बच्चियों के साथ छेड़छाड़, आरोपी सुपरिंटेंडेंट आरएस मीना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब मुक्त बिहार में पैसेंजर ट्रेन का नशे में धुत गार्ड कटिहार में प्लेटफॉर्म पर गिरा, रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में डीएम ऑफिस में महिला ने मिट्टी का तेल छुड़ा करके खुदकुशी की कोशिश, पुलिस पर लगाया जबरन मकान कब्जा करवाने का आरोप। गैर रोडवेज के महज 1 महीने में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, डीआईजी ने कहा गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने जुटा लिए हैं पुख्ता सबूत। सवाईमाधोपुर में एसीबी ने 8,000 रिश्वत लेते हुए तहसील कार्यालय में डेपुटेशन पर तैनात शिक्षक को किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर ले रहा है घूस। बिहार के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तान के 6 संदिग्ध नागरिक गिरफ्तार, आईबी और रॉ की टीम संदिग्धों से कर रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के सामा में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 4 जवानों की मौत, 9 घायल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बामसोर इलाके से 15 देसी बम बरामद, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 14 साल के छात्र पर दबंगों की ज्यादती, महज आम चोरी करने पर 2 स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर ले ली जान। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों के कब्जे से अवैध हथियार और लूट के पैसे भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 3 बंदूक भी बरामद, मोटी रकम लेकर जम्मू कश्मीर से बंदूक का लाइसेंस दिलाते थे आरोपी। सीकर में नगर परिषद का जूनियर अकाउंटेंट रंगे हाथ रिश्वत लेते चढ़ा एसीबी के हत्थे, ठेकेदार का बिल पास करने के लिए ले रहा था 35,000 रुपए।
जवाहरबाद में खूनी रात के दिन मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे 3 घायल। गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए पहुंचे थे सतना, फिलहाल बिरला अस्पताल में है भर्ती। यूपी के हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग का अकाउंट 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में महिला थाने की अनोखी पहल, आपसी झगड़े के बाद अलग हुए कई पति पत्नियों को थाने में बुलाकर कराई सुलह, वरमाला पहनाकर मिठाई कड़वा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कल फिर से शुरू हो जाएगा एयरपोर्ट, रनवे टूटने और एयरपोर्ट के रेनोवेशन के चलते 4 साल से बंद था ऑपरेशन। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर लगाया राशन घोटाले का गंभीर आरोप, 2 लाख से ज्यादा राशन कार्डों के नाम पर केंद्र से राशन वसूलने का आरोप। कथित 2 लाख से ज्यादा राशन कार्ड्स का अब तक नहीं हुआ है वितरण, फिर भी सरकार ले रही है राशन, मनोज तिवारी के मुताबिक 400 करोड़ का है घोटाला। गुजरात के सूरत में सड़कों पर छाए केजरीवाल के फोटो वाले हार्दिक पटेल के पोस्टर, सहयोग के लिए केजरीवाल को दे रहे हैं आभार। कई पोस्टर्स में सरदार पटेल के साथ भी दिख रही है केजरीवाल की तस्वीर, पाटीदार आरक्षण समिति ने नेताओं ने केजरीवाल को दी राजनीति ना करने की नसीहत। दिल्ली में हादसे का शिकार हुई डीटीसी बस, बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ती हुई खंभे से टकराई बस, बस में सवार नहीं थे मुसाफिर। उड़ता पंजाब पर बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच महाभारत अनुराग कश्यप के समर्थन में आया डायरेक्टर्स एसोसिएशन, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने पहलाज निलानी पर साधा निशाना, सेंसर बोर्ड के प्रमुख का मांगा इस्तीफा। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी का अनुराग कश्यप पर बड़ा आरोप, बोले फिल्म के लिए आम आदमी पार्टी ने दिया फंड। फिल्म उड़ता पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी से पैसा लेने के पहलाज निलानी के आरोपों का अनुराग कश्यप ने किया खारिज, कहा नहीं लिया कोई पैसा। अब अदालत पहुंची फिल्म उड़ता पंजाब की लड़ाई, निर्माताओं ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। पहलाज निलानी के आरोपों पर भड़की आम आदमी पार्टी, बीजेपी के इशारे पर आरोप लगाने का पहलाज पर लगाया आरोप। आमिर खान ने भी किया फिल्म उड़ता पंजाब का समर्थन, कहा ठीक रही है पाबंदी, ट्रिब्यूनल से जरूरी मिलेगा इंसाफ। बिहार के टॉपर्स घोटाले में कार्रवाई तेज, बोर्ड के दफ्तर पर पटना पुलिस ने छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद। घंटों तक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के दफ्तर की तलाशी लेते दिखे पटना के एसएसपी, कई उत्तर पुस्तिकाएं भी बरामद। बिहार टॉपर्स घोटाले में पुलिस हिरासत में पहुंचे 4 आरोपी, हाजीपुर के जी इंटर स्कूल के प्रिंसिपल शैल कुमारी पर भी कसा शिकंजा। जी इंटर स्कूल के प्रिंसिपल शैल कुमारी को पटना से अपने साथ लेकर हाजीपुर पहुंची एसआईटी टीम, यही था बिशन राय कॉलेज का परीक्षा केंद्र। एसआईटी टीम का पटना में राजेंद्र नगर बॉयज हाई स्कूल पर छापा, बिशन राय कॉलेज की कॉपियों की यही हुई थी जांच। बिहार पुलिस ने 4 फर्जी टॉपर छात्रों पर कसा शिकंजा, घर से गायब टॉपर रूबी रॉय के दरवाजे पर चस्पा किया नोटिस। टॉपर्स घोटाले में नया खुलासा, बिशन राय कॉलेज के डायरेक्टर बच्चा राय की बेटी शालिनी थी साइंस टॉपर, विवादों से बचने के लिए सार्वजनिक नहीं किया नाम। टॉपर घोटाले में कार्रवाई तेज होने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष ने छोड़ी कुर्सी, लालकेश्वर प्रसाद ने सरकार को सौंपा इस्तीफा। पटना में बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। ओबीसी शिक्षकों को सीधी भर्ती में सभी पदों पर आरक्षण की मांग को लेकर जेएनयू छात्र संगठन का यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। मथुरा के जवाहरबाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला रॉकेट लॉन्चर, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया एक और केस। तिरुवनंतपुरम में एक बिल्डर ने सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज कराया शिकायत, बकाया नहीं चुकाने का मामला। सोनिया गांधी ने किया था पार्टी दफ्तर की बिल्डिंग का उद्घाटन, केरल कांग्रेस के साथ बिल्डर ने सोनिया गांधी के नाम पर भी दिया नोटिस। दिल्ली में कैग की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को फटकार, जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च करने को लेकर सवाल। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर मोर्चाबंदी तेज, कांग्रेस के विधायकों से मिले मुख्यमंत्री हरीश रावत। गुरदासपुर में मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस नेता, पार्टी के विधायक ने कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख को स्टेज पर मारा थप्पड़। गुरदासपुर में गन्ना किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब सरकार पर लगाया किसानों को बकाया राशि ना देने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे विधायक इंजीनियर रशीद। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों का जम्मू में प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। आरक्षण की मांग को लेकर अब यूपी में जाटों का आंदोलन, मुजफ्फरनगर में देहरादून हाईवे के किनारे धरना प्रदर्शन।
हैदराबाद की फातिमा के पायलट बनने का सपना अटका। तेलंगाना के सीएम ने 35 लाख देने का ऐलान किया लेकिन नहीं मिली मदद। सूखे से बेहाल बुंदेलखंड के लोग, रोजी रोटी के लिए पलायन को मजबूर, राजधानी दिल्ली का किया रुख। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीय, एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई की चंदा कोचर शामिल। जारी रहेगा स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट का दौर, रिपोर्ट के मुताबिक दोहरे अंकों में नहीं पहुंचेगी स्मार्टफोन की बिक्री की विकास दर। गन्ना किसानों को मिलेगा 2015-16 के पेराई सत्र का 87% भुगतान, चीनी मिलों पर किसानों का करीब 6,000 करोड़ रुपए बकाया। मुंबई के घाटकोपर में पाइपलाइन फटा, लाखों लीटर पानी बर्बाद, 2 घंटे तक पूरे इलाके में बाढ़ सा दिखा मंजर। केरल और लक्षद्वीप में मानसून की दस्तक, भारी बारिश की वजह से 1 शख्स की मौत। इस साल सामान्य से ज्यादा रहेगा मानसून, मौसम विभाग का अनुमान, जल्द ही पंजाब और हरियाणा में गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे सावधानी बरतने की दरकार। हिमाचल के पहाड़ों में खुशनुमा हुआ मौसम, शिमला में भारी बारिश से सैलानियों के दिल को पहुंचाई ठंडक। दिल्ली की सड़कों पर बेघर हीरोइन अलिसा खान, बॉयफ्रेंड के एमएमएस बनाने की शिकायत पुलिस को देने पर परिवार ने किया बेघर। सुल्तान के गाने जग घूमिया को लेकर अरिजीत के आरोपों पर बोले राहत फतेह अली खान, कहा अरिजीत की आवाज वाले वर्जन की जानकारी नहीं। 41 साल की हो गई शिल्पा शेट्टी, शिल्पा के ट्विटर पर लगा रहा बधाइयों का तांता, ऋतिक, अभिषेक, रितेश देशमुख और करण जौहर ने दी बधाई। हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रैश करेंगे $50 लाख का प्लेन, वर्ल्ड वॉर 2 पर है फिल्म। हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में जादू के स्कूल के प्रिंसिपल डंबलडोर के रोल में दिख सकते हैं नसीरुद्दीन शाह, फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने किया संपर्क। इसराइल के तेल अवीव शहर में आतंकी हमला, 2 बंदूकधारी आतंकियों के हमले में 3 लोगों की मौत। कल होनी है यूरो 2016 की शुरुआत, फ्रांस में कड़ी सुरक्षा की वजह से खेल प्रेमियों को हो रही है परेशानी। अमेरिकी पुलिस ने खोजी कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए शुरू किया नया सेंटर, 50 कुत्तों का दस्ता किया जा रहा है तैयार। अमेरिका के केंटकी में बॉक्सर मोहम्मद अली के सम्मान में जुटे हजारों फैंस, आसमान में तितलियां उड़ाकर दी श्रद्धांजलि। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के सामने आईएस के लड़ाकों का सरेंडर, इंटरनेट पर डाला गया विद्रोहियों के जश्न का वीडियो।